बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहां पर हमने स्टॉप किया था। हम लोग बात कर रहे थे वायस की स्टैंडर्ड्स की और उनकी जो स्पीड है या कैपेबिलिटी है वायर्स के, उसके ऊपर बात हो रही थी। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, जो कैट फाइव की जो केबल है, नॉर्मली आमतौर पर ये जो है आपके स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है 1G तक सपोर्ट करती है, लेकिन नॉर्मली जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है वो 10 Mbps तक करती है। जो 5E होती है वो 10 से 100 या 1G तक जाती है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर ये जो चीज़ दिखी हुई है ये 10 से 100 या 1G तक ये चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो केबल मार्केट में आती है वो कैट सिक्स की केबल है। जो कैट सिक्स की जो केबल हमें अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, जब आप केबल्स वगैरह लेंगे, मार्केट से लेने जाएंगे, तो वहाँ पे वो आपको केबल्स ये सारी दिखा भी देगा। ठीक है, ओके, सो ये एक ड्रिल है कि आप लोग जब मार्केट में जाते हैं और चीज़ें पता करते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, वहाँ वो दिखाते हैं आपको केबल्स, और आप अपनी मर्जी की चीज़ ला के और ये समझ भी लेते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। जो कैट सिक्स की केबल है वो 1 Gbps से लेकर 10 Gbps तक स्पीड को सपोर्ट करती है। याद रखिएगा, अगर आपका नेटवर्क कार्ड 1 GB का है तो वो 1 GB पे ही चलेगी। ठीक है, हाँ ये है कि उससे ऊपर, मसलन आप 2 Gbps का कार्ड लगा लेंगे तो वो 2 पे काम करेगी स्पीड केबल, अगर ये वाली लगी हुई है। ठीक है, सो अगर 10 Gbps पे कर देंगे तो वो उस स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। सो ये केबल की कैटेगरी वो है। ठीक है, इसी तरह कैट सिक्स में कैट सिक्स ई भी होती है, कैट सिक्स ए भी होती है, दो तरह की होती हैं केबल्स। ठीक है, कैट सिक्स ई, कैट सिक्स ए या कैट सेवन, ये सब जो है 10 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करती हैं। ये जो कैट सिक्स है इसमें थोड़ा बहुत वो अप डाउन होता है, इसकी रेंजेस होती हैं। कैट सिक्स की कौन सी वाली केबल 10G तक जाएगी, कैट सिक्स ई और कैट सिक्स ए, ये दोनों। ठीक है, सो ये याद रखिएगा कि कौन सी केबल आपकी कितनी स्पीड देगी। ठीक है, अगर सिंपल कैट सिक्स है तो वो आपकी 1 Gbps की स्पीड से चलेगी, या हो सकता है 2 तक वो चली जाए। ओके, इसके बाद एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं गेज। ठीक है, किसी भी वायर का जो गेज होता है उसको मेजर करते हैं, एक यूनिट होता है उसको बोलते हैं अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, इसमें मेजर करते हैं। ये जो AWG की वैल्यू होती है केबल के ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक है, अच्छा ये कौन है बेटे, हुज़ैफ़ा जी, बेटे पूछो क्वेश्चन। हुज़ैफ़ा सर वो लगा ले, मेरा नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है बेटे, वो आपका किसी टाइम ड्रॉप हो सकता है बेटे। CR आपकी अटेंडेंस लगा लेगा, कोई मसला नहीं है, उसको पता है, वो लगा रहा है अटेंडेंस। ठीक है, उसको मैं शेयर कर दूंगा शीट इंशाल्लाह आज, तो वो शीट पे फिर कर देगा अटेंडेंस। अभी वो जो है स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस लगा देगा। ठीक है, ओके, सो अच्छा बेटे, CR आप अगर इधर मौजूद हैं बेटे तो अटेंडेंस लगा लें, अगर खुद ना हो तो किसी और की ड्यूटी लगा दिया करो बेटे। ठीक है, ताकि अटेंडेंस लाजमी हो जाया करे। ठीक है, सो हर जो है ना क्लास की अटेंडेंस आपके पास होनी चाहिए। ओके, और डेट वाइज, ठीक है, मसलन आज की डेट में अगर एक क्लास है हमारी तो एक आपकी अटेंडेंस होगी, अगर दो क्लासेज हों, जैसे कल थर्सडे को हमारी दो क्लासेज थी तो दोनों की अटेंडेंस आपके पास, दो क्लासेस की अटेंडेंस यानी दो अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं। अच्छा, मैं वायर गेज की बात कर रहा था, तो गेज बेटे क्या होता है, गेज जो होती है वो थिकनेस होती है वायर की, यानी मोटाई होती है कि तार कितनी मोटी है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें इम्प्योरिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉपर के अंदर कोई चीज आप मिलावट कर दें तो फिर वो कहानी कुछ और है, उसका वो तो दो नंबर केबल होगी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्योर कॉपर की बात कर रहा हूँ। अगर कॉपर की वायर हो और उसका गेज जो है, अगर उसके ऊपर लिखी हुई है वैल्यू 26 AWG, इसका मतलब उसकी जो आपकी थिकनेस है वो 0.40 है। ठीक है, 0.40 mm। ठीक है, और इसी तरह अगर 24 AWG की वायर है
तो 0.51 मिलीमीटर उसकी है, ठीक है। इसी तरह 23 AWG की जो वायर है, जो आम मार्केट में अच्छी वायर समझी जाती है, ये 0.57 मिलीमीटर है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि जो जो गेज जो है कम होता जा रहा है, तो साथ ही साथ वायर की मोटाई बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो यूनिट है ना AWG, अगर AWG की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब वायर मोटी होगी, ठीक है। इसी तरह जो अच्छी वायर होगी वो तकरीबन 20 या 21 AWG की वायर होगी, जो बेस्ट होगी, जो आपकी HD क्वालिटी की पिक्चर भी दिखा देगी, ठीक है। अच्छा, ये हुजैफा आपका क्वेश्चन है बेटे, बोलो जी। हुजैफा बेटे क्वेश्चन है तो बोलो, नहीं तो आपका हैंड डाउन आप कर लो, ठीक है। शायद आपका गलती से हैंड आप हुआ है, लोअर कर देता हूँ। चलें, अगर दोबारा कोई क्वेश्चन हुआ बेटे तो आप कर लेना आप। ओके, ये AWG यानी जो अमेरिकन वायर गेज है, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि अगर आपका डायामीटर ज्यादा होगा, मोटी तार होगी, तो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। इसका मीनिंग ये प्रैक्टिकल स्पीकिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन वायर मैंने बता दिया, कैसे पोल के ऊपर जो वायर डली होती है नेटवर्क की, उसको ओपन वायर बोलती है, ठीक है। और ये इसके लिए जो है ना अच्छी तार आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हवा से या रोशनी से इसके और इन्वायरमेंट से इसको इफेक्ट पड़ेगा, ये वायर के टूटने का खतरा है। इसलिए ये किसी या तो किसी पाइप के अंदर लगी हो या किसी तरह से आपने कवर करके लगानी होती है, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाते वायर को, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बोला है कि डक्ट के अंदर केबल लगाएं, ठीक है। तो डक्ट नहीं है तो पाइप लगाएंगे, ठीक है। पाइप लगाएंगे तब भी वही बात है, तो पाइप जो है वो सेफ होता है। जैसे बिजली की जो आपके पाइप होते हैं, आपने देखे होंगे घरों में लगे हुए होते हैं उस तरह के, या डक्ट प्लास्टिक की जो मैंने दिखाई थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ट्विस्टेड वे पेयर वायर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, सो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर सबको, आगे चलते हैं बेटे। ये क्योंकि यूज भी कर रहे हैं, मैं आपको क्लास में ये बात ये दिखा चुका हूँ, ये वाली वायर आप जानते हैं, अगर शील्डेड होगी तो उसके अंदर ये शील्ड होती है, एक्स्ट्रा मैंने कहा कोटिंग पड़ी होती है, और ये जो शील्ड होती है, ये शील्ड इसको प्रोटेक्ट करती है वायर्स को, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये एक तो शील्ड, ये प्लास्टिक कोटिंग तो होती ही होती है ना, कि वायर्स होती हैं, वायर्स जो है प्लास्टिक कोटिंग के अंदर होती हैं, उस यानी दो पेयर को सेपरेट करने के लिए भी बीच में वायर लगी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि एक एक प्लास्टिक सा बीच में डला हो जो चारों पेयर को सेपरेट कर दे, ये भी होता है अक्सर केबल के अंदर, ये वो प्लास्टिक सा डला होता है तो वो सेपरेट करता है। बात वही है, वो शील्ड ही होती है, ठीक है। तो आगे चलती हैं, ठीक है। सो उम्मीद है ये, और इसके अंदर दो स्टैंडर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे बेटे, एक TIA EIA स्टैंडर्ड था 568A और 568B, ये दो तरह के आपको स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे। ओके, आगे चलते हैं बेटे। ये रोल ओवर केबल जो है, ये मैंने बताया था, ये सीरियल केबल होती है स्विच को कॉन्फिगर करने के लिए, ये भी जिक्र इसका एक दफा आया था। इनशाला जब हम यूनिवर्सिटी आएंगे तो स्विच को कॉन्फिगर करना मैं आपको सिखाऊंगा। ये केबल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जो आपने चीजें परचेज करनी है उनमें से ये एक केबल के लिए आपने पैसे बचाने भी हैं, ठीक है। तो ये केबल भी हम एक मंगवाएंगे इनशाला, ठीक है, ताकि स्विच को कॉन्फिगरेशन जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप उस उन पैसों से जो केबल मंगाई होगी उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट बेटे बात आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। मैंने कहा था ये हम पढ़ेंगे, फाइबर क्या होता है। फाइबर बेटे जो है आपकी ग्लास का रॉड होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्लास की ट्यूब नहीं होती, अक्सर जगह ट्यूब लिखा होता है, बुक में भी लिख देते हैं, गलत है, ये ट्यूब ट्यूब नहीं होती, ग्लास रॉड होता है, शीशे की छड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मसलन ये बीच में, ये सेंटर में ग्लास शीशे का वो है, ऐसे करके बाल के बराबर बारीक बारीक होता है ये फाइबर, ठीक है। ये एक फाइबर है, इस फाइबर के ऊपर ये कलर की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। यानी ये कोर है, इसको कोर भी बोलते हैं, कोर के ऊपर कलर की कोटिंग हुई होती है, और फिर वायर क्लैडिंग होती है, यानी कोई चीज उसको सेफ करने के लिए, ताकि यानी रुई टाइप का एक मटेरियल होता है, उसको क्लैडिंग बोलते हैं। यहाँ पे डला होता है,
जो क्या करता है, फाइबर को डैमेज होने से बचाता है। इसके अंदर एक या दो फाइबर हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक केबल में, जैसा कि मैरी केबल आपने देखी थी, उसमें एक फाइबर था और उसके ऊपर, उन दो फाइबर के ऊपर भी एक कोटिंग हो सकती है प्लास्टिक की, ठीक है। सो ये इस तरह से भी होता है। ओके नाउ, उसके बाद यहाँ पे ऊपर एक मोटी जैकेट होती है, मोटा रबर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। अगर ये रबर सिर्फ इसको और प्रोटेक्ट करना हो तो इस रबर के ऊपर एक स्टील का एक कोट होता है, और स्टील कोट के ऊपर फिर रबर लगा हुआ होता है, प्लास्टिक की जैकेट लगी होती है, और वो जो है वो आप हाथ से उसको फोल्ड भी नहीं कर सकते, इतना मजबूत होता है, ठीक है। और ये जो वायर्स आती हैं, इसका एक ऑप्टिकल कैरियर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लिंक स्पीड इसकी कितनी होती है, 51.8 जो है ना, ये फिक्स्ड उन्होंने रखी हुई है, यहाँ से लेकर 39.8 गीगाबिट्स पर सेकंड। तो देखिए कितनी ज्यादा स्पीड है, ठीक है, 39.8 गीगाबिट्स पर सेकंड, और ये पुरानी लिखी हुई है, याद रखिएगा। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 500 गीगाबिट्स पर सेकंड से ऊपर स्पीड अवेलेबल है, और अबाउट 300 गीगाबिट्स पर सेकंड का फाइबर ऑप्टिक के मॉड्यूल और केबल मैंने यूज की हुई है, अगर मैं ये कहूँ तो। पाकिस्तान में अगर अवेलेबल है तो फॉरेन कंट्रीज में इससे ज्यादा की अवेलेबल होगी, ठीक है। ऑब्वियसली हर आदमी इस लेवल पे नहीं जाएगा, इतनी हाई स्पीड की चीजें नहीं लगाएगा, याद रखिएगा। ओके इसी तरह थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब ये लिंक की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो OC होता है ना स्टैंडर्ड केबल के ऊपर, इसकी वैल्यू लिखी होती है, कई जगह पे OC1 होगा। अगर OC1 होगा तो ये जो वैल्यू N की, ये जो वैल्यू है ना 1 की, इसको जरब लगाएंगे इसके साथ, ये N, ये OCN होगा, ठीक है। तो OCN ये एक्चुअली है, तो ये N के अंदर कोई वैल्यू लिखी होगी, 1, 2, 3 कुछ भी लिखी होगी। अगर 1 है तो 51.8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो 3 है तो 3 × 51.8 इतनी स्पीड हो जाएगी उस केबल की। अगर OC12 होगी तो उसकी उस हिसाब से स्पीड, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। OC786 है तो 786 को जरब लगाएं 51.8 से, तो आप देख लेंगे कितने गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड बनती है, ठीक है। सो ये इस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं कि केबल कितने टाइप्स की आती हैं, इसके कनेक्टर्स किस तरह के होते हैं। अच्छा केबल बेटे, इसमें दो तरह की केबल आती है, एक मल्टी मोड केबल आती है, एक सिंगल मोड, दो तरह की केबल आती है। मल्टीपल मोड का क्या मतलब है, मल्टी मोड केबल जो होती है उसके अंदर फाइबर जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है, मैंने कहा बाल बराबर है, बाल के बराबर है, तो इसका मतलब मिलीमीटर्स में इसका डायामीटर होता है, ठीक है। हो सकता है 0.1 मिलीमीटर हो, 0.2 मिलीमीटर हो, 0.3 मिलीमीटर, इतना छोटा होता है, बिल्कुल बाल के बराबर, याद रखिएगा। ये मिलीमीटर से भी छोटे साइज का ये फाइबर होता है, ध्यान में रखिएगा। मल्टी मोड केबल क्या होती है, वो मोटी होती है थोड़ी सी, यानी होती मिलीमीटर्स में है, 0.2, 0.3, 0.4 मिलीमीटर होगी, लेकिन बारीक होगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि एक से ज्यादा वेव्स को फेंका जा सकता है, इतना इतना मोटा है, ठीक है। तो लाइट की एक से ज्यादा वेव्स इसके अंदर ट्रेवल करती है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी मोड। अब क्योंकि ज्यादा वेव आपने ट्रेवल की तो होगा ये कि वेव जो है जब मूव करेगी तो वो साइडों से टकराएगी, जब टकराएगी तो वेव की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जब इंटेंसिटी कम होगी तो हम कहते हैं वेव की तमाज़ियत या इंटेंसिटी जब कम होती है तो वेव की ताकत जो है वो कम होती जाती है, और लाइट जो है एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये मल्टी मोड केबल की बड़ी लेंथ तक सपोर्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये आगे क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं, ठीक है। और सिंगल मोड केबल क्या होती है, इसका फर्क अब बताता हूँ। अच्छा सिंगल मोड केबल जो होती है वो बहुत बारीक होती है, इतनी बारीक कि इसके अंदर एक वेव जो है सिर्फ ट्रेवल कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सो एक वेव जब ट्रेवल करेगी तो वो उसके अंदर मूव करेगी और बगैर किसी किनारे से टकराए हुए दूसरे एंड से निकल जाएगी। जब फाइबर के सेंटर में आप लाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इस तरह से मूव कर जाती है, ठीक है। अच्छा और ये जो है ये सेंटर में नहीं की बल्कि ऐसे करके हमने फेंकी है, या ऐसे करके देखें जब लाइट गई है ऐसे गई है, फिर यहाँ से टकरा के ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है। इसी तरह ये जो लाइट है ये इधर से ऐसे गई है और यहाँ से टकरा के तो आगे मूव कर रही है, ओके। सो इस तरह से ये मूवमेंट है लाइट की। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि या अगर मैंने इधर से इंट्रोड्यूस कराई है तो इधर से ये वेव इंट्रोड्यूस कराई है, इधर से ये दो वेव्स हैं, एक ये ऐसे करके मूव कर रही है, दूसरी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, दो वेव्स मूव कर रही है, ठीक है। तो एक से ज्यादा वेव्स होती हैं तो ये इस पे मल्टी मोड इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये मल्टी मोड जो है ये कम क्वालिटी की वायर होती है, इसकी
जो डेटा है कैरियर डेटा अप टू 200 2 2 किलोमीटर तक डेटा जा सकता है मल्टी मोड के अंदर, ठीक है। सो ये कम है ऑब्वियसली, 2 2 किलोमीटर से ज्यादा की जो वो है केबल वो भी मौजूद है, ठीक है। अब ये पुरानी बात थोड़ी लिखी हुई है, अभी तकरीबन 10 किलोमीटर तक आराम से ये मल्टी मोड केबल हमें मिल जाती है, और ये थोड़ी कम कीमत की होती है, याद रखिएगा। ये जो सिंगल मोड केबल होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इसकी कीमत ज्यादा होती है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है केबल, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 यानी 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो ये तकरीबन जो है 50 यानी 10 किलोमीटर से लेकर तो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक या उससे भी ज्यादा ये सिंगल मोड केबल जो है सपोर्ट करती है, ठीक है। सो ये हम केबल्स जो लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं, तो हम पूछ लेते हैं कि कितनी लेंथ तक ये जाएगी, कितने मीटर्स कितने किलोमीटर तक ये सपोर्ट करती है, अगर हमने लगानी है। तो याद रखिएगा हम उस हिसाब से केबल मार्केट से खरीदते हैं जो हमने लगानी होती है, ठीक है। और ये सारी प्लानिंग हमें नेटवर्क के अंदर पता होती है सारी। ओके, अनगाइडेड मीडिया जो है वो क्या होता है, ठीक है। गाइडेड मीडिया हो गया खत्म, ठीक है, ये मैंने सारा आपको बता दिया। ये जो ऑब्वियसली ये बता दूं कि ये जो केबल्स थी, केबल के किनारों पे कुछ कनेक्टर्स लगे हुए थे, ठीक है। वो जो कनेक्टर्स हैं उनको पिग टेल्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके आगे जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर LCB होता है, MCB होता है, ठीक है। तो जो कनेक्टर आपने लैब के अंदर मैंने आपको दिखाए थे वो LC कनेक्टर थे, ठीक है। MC कनेक्टर जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसा कि ये इधर ऊपर अगर डायग्राम में ये जो है ना ये इस तरह से MC कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये MC और LC कनेक्टर दो तरह के होते हैं। अगर आपके पास मॉड्यूल जो है फाइबर ऑप्टिक का मॉड्यूल, मेरे पास जो मॉड्यूल था वो LC मॉड्यूल है, ठीक है। तो अगर आपके पास LC मॉड्यूल है तो LC वाली केबल लेनी है, तो याद रखिए कि पेयर में लेनी होती है। ये ना हो कि दुकानदार आपको मॉड्यूल LC का दे दे और केबल MC वाली दे दे, तो वो लगेगा नहीं फिर, याद रखिएगा। ये आपके पास भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो दुकानदार आपको हो सकता है दूसरा चक्कर लगवा रहा हो। ओके, सो देखिए, अनगाइडेड मीडिया जो है वो क्या होता है, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया के अंदर मैंने कहा इन्वायरमेंट है, वायरलेस मीडिया की बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं रेडियो लिंक्स की, ठीक है। आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, या आपका लैपटॉप हो गया या आपका सेलफोन हो गया, उसके अंदर रेडियो वाला नेटवर्क कार्ड लगा होता है जो रेडियो वेव्स फेंक रहा होता है, ठीक है, या रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। आप लोग नॉर्मली वाईफाई से वाकिफ हैं, वाईफाई आपकी जो लैपटॉप है और या सेलफोन है उसको आपकी वायरलेस डिवाइस के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यूज करते हैं, आपको इसके बारे में पता है। रेंज वगैरह भी इसकी कहीं हम आप आगे चल के डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, चीजें बताऊंगा आपको। तो सो ये स्मॉल रेंज होती है वाईफाई की, वाईफाई की रेंज जो है वो बड़ी नहीं होती, स्मॉल रेंज पे काम करता है वाईफाई। इसके बाद नेक्स्ट होता है वाई मैक्स। वाई मैक्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें डिश एंटीना यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, मसलन ये अर्थ है, ये जो चीज है ना जो डायग्राम में दिखाई गई है ये एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ में एक ये फर्ज करें, ये 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये एक सेटेलाइट जो होता है वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डिश है ये इस डिश को डेटा सेंड करती है, और डिश में खूबी क्या होती है बेटे, डिश जो होती है वो ऐसे बॉल की सूरत में होती है पहले, और उसको आधा काट लेते हैं, बॉल को आधा काट लेते हैं, यानी वो बेसिकली सेमी सर्कल टाइप की चीज होती है। अब देखें, डिश जो होती है, डिश के अंदर अगर कोई वेव जो है डिश के किसी भी पॉइंट पे टकराएगी, तो याद रखिएगा क्योंकि डिश जो है वो सेमी सर्कल तो है लेकिन उस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि उसका मिड पॉइंट ये है, इस ये जो पूरा ग्लोब है इसका मिड पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो जहां पे भी वेव ये यहाँ किनारे पे टकराए, मिड पे टकराए, किसी भी जगह इस डिश में कहीं पे भी वेव टकराएगी तो वो इस सेंटर पॉइंट से होके गुजरेगी। यहाँ सेंटर पॉइंट पे हम एक रिसीवर लगा देते हैं जिसे LNB बोलते हैं, उसके साथ वायर लगा के हम डिवाइस के साथ लगा देते हैं। तो डेटा जो है जब यहाँ से गुजरता है तो ये डेटा को कैप्चर करता है और नीचे डिवाइस पे भेज देता है, और डेटा को फिर डीकोड कर लिया जाता है और उसको देख लिया जाता है क्या। इसी तरह यहाँ से डेटा यहाँ आएगा तो डीकोड कर लिया जाएगा। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि डेटा यहाँ भेजता हूँ और इस सेटेलाइट को कहता हूँ कि डेटा जो है इधर इस स्टेशन पे भेज दे, तो ये क्या करेगा कि डेटा यहाँ स्टोर करेगा और फिर इसको फॉरवर्ड कर देगा यहाँ पर, ठीक है। सो अगेन, स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज होता है।
और इस चीज को वाई मैक्स बोलते हैं। और सैटेलाइट जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। सैटेलाइट बेटे दो तरह के सैटेलाइट यहाँ डिस्कस किए गए हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और दूसरा लियो सैटेलाइट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, उनको हम मूव नहीं करते। जो लियो सैटेलाइट होते हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं ताकि हम सर्वेलेंस कर सकें। ठीक है, तो ये दुनिया में दो तरह के सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं और ये दोनों बाकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको बता दी है। अर्थ के गिर्द ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं। सैटेलाइट जो होता है फिक्स कैसे होता है कि सैटेलाइट एक ऐसी जगह पे रुका होता है, हमने जब इसको भेजा होता है तो ये ऐसे अर्थ से बाहर जा रहा होता है। तो एक जगह पे ये होता है कि ये जो ग्रेविटी है जो अर्थ इसको खींच रही है नीचे की तरफ वो, और जो फोर्स इसकी बाहर इसकी उधर से दूर जाने की जो फोर्स है वो, दोनों जब बराबर हो जाती है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जब बराबर हो जाती है तो ये स्टेशनरी हो जाता है। और जब अर्थ घूमती है, जब अर्थ ऐसे रोटेट करती है तो ये भी उसके साथ अर्थ के साथ रोटेट करता है, अपनी जगह पे रहता है, ये यहीं पे ऐसे ऐसे करके रोटेट करता जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सो उम्मीद है कि ये सेटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको लगा सकते हैं। मसलन हम ये भी कर सकते हैं कि जमीन के ऊपर टावर लगा लें। ठीक है, आपको पता है बिल्डिंग्स के ऊपर या जमीन के ऊपर टावर लगे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो लाइन ऑफ साइट के हिसाब से प्रोपोगेट करते हैं। एक टावर एक जो डिश है वो एक टावर पे लगी होगी, दूसरी डिश दूसरे टावर पे लगी होगी, उन दोनों की लाइन ऑफ साइट अगर सेम होगी तो सिग्नल वो एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकेंगे। एक डिश का कम्युनिकेशन, ये अक्सर इस वाई मैक्स में ये वाली इम्प्लीमेंटेशन भी अक्सर यूज होती है। ठीक है, सो ये जो है ना, कहीं कुछ कंपनीज हैं जो कि इस तरह की कम्युनिकेशन आर्मी वगैरह अक्सर ये यूज करती है ये वाली चीज। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है स्काई प्रोपोगेशन। स्काई प्रोपोगेशन जो है आपकी ये वाली है जो मैंने आपको बताई है ये वाली। ठीक है, सो ये स्काई, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नहीं बताऊंगा दोबारा। और ग्राउंड प्रोपोगेशन जो ग्राउंड के ऊपर एक ग्राउंड लेवल पे यानी किसी बिल्डिंग की टावर पे लगाई जा सकती है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, और टावर पे भी लगाए तो ये सेम लाइन ऑफ साइट के ऊपर ये काम करेगी। ठीक है, सो ये तो था हमारा आज का बेटे लेसन। प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ, ये वाला काम मैं बता चुका हूँ, केबल बनानी है, दो केबल्स बना के मुझे जमा करवानी है। आपने बेटे क्लास सीआर या जीआर जो भी बेटे नोट कर लो, आप लोग केबल बना के, ठीक है, सामान अपना ले लोगे, केबल बना लोगे। अगर केबल टेस्टर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, केबल्स आप ले आइए, मैं या वहाँ पे जब बनाएंगे तो मुझसे आप केबल टेस्टर ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लैब से एक आदमी लैब में चला जाए और जो है सजाद साहब से मेरा मेरे हवाले से आप रابطہ कर सकते हैं, अपना कार्ड रखवा दें, केबल टेस्टर ले जाएं, फिर उनको वापस रिटर्न कर दें। ठीक है, सो ये इस तरह से भी आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं सजाद साहब से बात करके उनको बता दूंगा। ठीक है, और ये कि आप केबल वगैरह बनाने के लिए बेटे कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी आपको अलाउड हरगिज़ नहीं है, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, मैंने मना किया है आपको। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं कि प्लाजे में जा सकते हैं, प्लाजे का कोई फ्लोर है, सारे प्लाजे सील हुए हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसकी बेसमेंट में किसी भी फ्लोर पर आप वहाँ पर जाके बैठ जाएँ, मस्जिद में जाके बैठ जाएँ, कोई मना नहीं है, गंद नहीं मचाना। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, जो केबल काटेंगे वो सारा एक शॉपर के अंदर रखें और फिर उसको डस्टबिन में फेंकें, गंदगी नहीं बिल्कुल मिचानी, कहीं पे भी प्लाजे में भी किसी जगह नहीं करनी। ठीक है बेटे, ये सबसे पहला असूल होता है, जब आप काम करें साफ सुथरे तरीके से करें। ठीक है, सो आपने केबल्स बनानी है एनी हाउ, जिस तरह भी बनानी है। ठीक है, आपका ये काम है, मैंने बता दिया है, केबल बनानी सिखा दी है आपको, आपने बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, कनेक्टर्स बनाने हैं, ये बना के मुझे जमा करानी है। ठीक है, वायर आपने खरीद लेनी है, टूल्स जो मैंने बताए थे वो ले लेने हैं। ठीक है, जो पैसे बच जाएंगे वो आपने मुझे देने हैं, मैंने उससे आपको एक जो रोल ओवर केबल है वो लेके देनी है। ठीक है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो ये होगा कि जो क्लासेस सारी क्लासेस से जो पैसे बच जाएंगे उन सबको मिला के एक या दो केबल्स आ जाएंगी, वो मैं आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, अगेन आप चाहें तो वो यानी यूनिवर्सिटी के अंदर रखवा दें और वहाँ से आप रिसीव कर लें। ठीक है,
तो अगर कहेंगे तो मैं सजाद साहब के पास रखवा दूंगा, आप उसको यूज़ करें। जब मैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, उस केबल से आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये सारा इस तरह से हमारा काम होगा। तो आपने इंशाल्लाह इस तरह से अपने आप को रखना है अलर्ट, ठीक है। सो ये जहन में रखना है, ये सारा काम करना है। ये ना हो कि आप प्रैक्टिकल छोड़ दें। मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल सारे, ठीक है, और आपने करने हैं इंशाल्लाह। जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो स्विच की जो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो सारी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं किसी टूल के ऊपर भी सिखाऊंगा जो कि पैकेट ट्रेसर है, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं देख लूंगा, हो सकता है मैं पैकेट ट्रेसर स्टार्ट करा दूँ और उसके ऊपर काम शुरू करा दूँ। अगर नेक्स्ट वीक तो हमारा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम ऐसा करेंगे, पैकेट ट्रेसर पे काम करेंगे। उससे जो अगला वीक होगा उसमें, जब हमारा यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, तो हम लोग जो है रियल स्विच के ऊपर बेटे काम शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके लिए ये केबल फिर आपको रिक्वायर्ड होगी। याद रखिएगा, मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मेरे पास केबल मौजूद है, ठीक है, बट वो केबल आपको इशू नहीं की जा सकती। एक ही केबल है हमारे पास, वो नहीं आपको देंगे। आप लोगों को अगर केबल चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, आप हम अपनी आप लोगों की केबल हम बना, एक खरीद दूंगा मैं, मंगवा दूंगा आपको, वो केबल आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्क होगा, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन केबल की जो सेटिंग्स हैं, जो उसके काम वर्किंग है, वो सारी मैं आपको समझा दूंगा, आपने वो सीख लेनी है, उसके मुताबिक काम करना है, ओके। सो ये तो था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। तो हमने वर्किंग करनी है, हमने काम नहीं छोड़ना, प्रैक्टिकल, ये लैब वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता, इसका मतलब आपको नेटवर्किंग नहीं आती, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था, दो कंप्यूटर्स के दरमियान डेटा शेयरिंग करना मैंने आपको समझा दिया था, वो अब आपको आता है। उसमें सेटिंग्स कंप्यूटर्स के ऊपर कैसे करते हैं, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और किसी वक्त बेटे मेरा इंशाल्लाह ये है कि जो उम्मीद है कि थर्सडे को शायद जो है मैं नेक्स्ट जो थर्सडे है, क्योंकि मंडे को वैसे मेरी होती है क्लास, लेकिन मंडे को शायद नहीं आऊँगा। थर्सडे को जो है मैं 10 बजे के बाद वहाँ पे आऊँगा, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे कि थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को ही रखेंगे, ठीक है। थर्सडे को मैं आऊँगा वहाँ पर यूनिवर्सिटी, मैंने प्रोजेक्ट के बच्चों के सिलसिले में वहाँ आना है, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट, अगर जो सीआर है वो आ सकते हैं, ठीक है जी। बेटे हमजा, आपने कोई बात करनी है बोलिए। चलिए, वो भी आपकी आवाज़ कट रही थी, क्या बोल रहे थे आप, दोबारा बोल दिए। 10 बजे क्या क्या बेटे सीन है? बेटे थर्सडे को हमारी क्लास एक होती है, 10 बजे तक मेरी क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा, ठीक है, और मैं 1 बजे तक वहाँ पे रहूँगा, 10 से 1 बजे तक, ठीक है। प्रोजेक्ट के मेरे स्टूडेंट्स भी आएंगे, उनको भी मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी आ सकते हैं अगर आप कोई गाइडेंस आपको चाहिए हो, ठीक है। और इस सिलसिले में केबल्स वगैरह जो आप खरीद लें, या कोई टूल या कोई चीज़ चाहिए हो, तो वहाँ से मुझसे भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जी हमजा, सर जी, उस कहते हैं थर्सडे वाले दिन, ये जो नेक्स्ट थर्सडे आ रहे हैं नेक्स्ट वीक के, जी बेटे नेक्स्ट थर्सडे, क्योंकि अभी देखिए असल में मैं आता हूँ मंडे को, लेकिन मंडे, अब आगे 23 मार्च आ रही है, 23 मार्च को नहीं कर सकता। ट्यूसडे को मैं चाह रहा था कि आ जाऊं, लेकिन ट्यूसडे को 23 मार्च है, तो वो वाली क्लासेस भी हमारी जो है ना, शायद पोस्टपोन हो, किसी और दिन लेनी पड़े, ठीक है। हो सकता है वो सैटरडे को चला जाए, यानी 23 मार्च वाला जो दिन है वो सैटरडे को चला जाए, उस दिन जो भी क्लासेस हैं वो सैटरडे को हो सकता है हो जाए, ठीक है। सो ये इस तरह से हो जाएगा, तो सैटरडे हमारा शायद जूम सेशंस हो जाएं, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे ना। अच्छा ओके, सो हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो रही होंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क आपने छोड़ना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो स्विचेस के ऊपर काम है, वो हम आगे जब आप क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो करेंगे। बाकी जो भी मैं प्लानिंग करके कुछ ना कुछ आपको, हमने 5 लैब्स हमने कर ली हुई हैं, ठीक है।
और इंशाल्लाह यानी ठीक है, ये 2 वीक्स के अंदर ये हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है कि हमने 5 लैब्स की हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी लैब्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी, प्रोवाइडेड के यूनिवर्सिटी ओपन हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्विचेस वगैरह पे जो काम करना होता है वो लैब के अंदर ही पॉसिबल है, मैं आपको यहाँ पे जूम सेशन में ये चीज़ नहीं करवा सकता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से, किसी बेटे कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, ओके चलें, ठीक है। बस फिर इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे, अच्छा हाँ जी बेटे आप क्वेश्चन पूछिए। सर अटेंडेंस सर अटेंडेंस बेटे किधर है आपका, सीआर किधर है? सीआर है, सीआर है क्लास में। बस ठीक है बेटे। हमाद आपने जो है आप लोगों ने ये क्लास बेटे ले लेनी है, ठीक है। अटेंडेंस जो भी बच्चे बेटे, एक बच्चा अगर हमाद नहीं लेता तो बेटे हमजा कर सकता है, या कोई भी हो ना आप में से कोई एक बच्चा अगर मसलन फर्ज करें हमाद नहीं लेता, किसी वजह से वो नई क्लास ले रहे, तो हमाद आपने क्या करना है, आपने किसी की ड्यूटी लगा देनी है, जिस मर्जी की ड्यूटी लगाओ, ठीक है, ताकि जिसकी आप ड्यूटी लगा दोगे फिर वो आपकी जगह, मसलन आप नहीं है तो फिर कोई तो अटेंडेंस लेना, ठीक है। सो ये जहन में रखना है, ओके अच्छा, और किसी ने बेटे हमाद जी ठीक है, हमाद समझ आ गई आपको? यस सर, मैंने ले ली अटेंडेंस। ठीक है, गुड, शाबाश बेटे, ठीक है। तो बस ठीक है बेटे, फिर यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। नहीं, ये जो अभी जो मेरा हाथ आएगा। हाँ जी, ये जो कमिंग जुमरात आ रही है उसमें मैं 10 बजे के बाद यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँगा, 1 बजे तक वहाँ आऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज चाहिए या वहाँ पे आना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सर, वो फिर आप कह रहे वायर्स के लिए पैसे वगैरह कैसे कलेक्ट करेंगे लड़कों से? अभी तक नहीं किए? नहीं सर, वो पहले हामिद था ना, वो हामिद ने नहीं ना किए कलेक्ट। अच्छा, तो फिर कैसे कलेक्ट करोगे, कुछ सिलसिला करो ना बच्चों को, यानी इजी पैसा से कर लेते हैं सर। हाँ जो भी कोई एक सिलसिला बना लो आप लोग, जो थोड़े बहुत वो कितने 200 कलेक्ट कर रहे हो, यस सर, ठीक है, जी तो सर, वो 200 कर रहे हैं। हाँ वो कलेक्शन कर लो बेटे, सामान खरीद लो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल नहीं करोगे काम नहीं आएगा, जहन में रखिएगा। बस सर, फिर आप क्लास में आप बोल दें एक दफा लड़कों को मेरे नंबर पे इजी पैसा कर दें। हाँ बेटे, सब लोग जो है ना इनके साथ हमाद जैसे फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस तरह आपने इजी पैसा से ये जो भी इनको आप ट्रांसफर कर दें पैसे, ताकि इनके पास चीजें आ जाएंगी, सामान फिर सबके लिए खरीदेंगे, ठीक है। और बेटे हमाद आपने लिस्ट बना लेनी है कि किस किस ने जमा कराए हैं, फिर उस हिसाब से आपने कर लेना है, ठीक है। ओके सर, अच्छा, और बेटे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बात कर सकते हो, ओके चलें, ठीक है बेटे, फिर ये सेशन एंड करते हैं। प्रैक्टिकल लाजमी करना है, 2 केबल्स बना के आपने सबमिट करनी है, उसके नंबर लगेंगे आपके, ये मत सोचिएगा कि उसके नंबर नहीं है, नंबर लगेंगे अभी भी, ठीक है। और ये आपका असाइनमेंट कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। और केबल टेस्टर अगर आपको चाहिए तो मैं सजाद साहब के हवाले कर दूंगा, वो आपको कार्ड रख के इशू कर देंगे, और फिर आपने उनको जिम्मेदारी से वापस करना है टेस्टर, और उसको खराब नहीं करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।